सलमान खान के बारे में देखिए, आप नहीं बोल सकते आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आप योगा करें, पेट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करें, और सलमान के खिलाफ तो एक शब्द ना बोले। सलमान किसी को नहीं छेड़ता, आप कैसे बोल सकते कि वो ड्रग एडिक्ट, गलत है ना? लेकिन सलमान सर तुम्हारी भी आंखें से फड़कती है, हम क्या सोचें बाबा रामदेव, हम क्या सोचें, तो हम क्या सोचें, आप रामदेव हो के वही। ड्रामा क्वीन राखी सावंत हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दुबई रवाना होने के लिए। इस दौरान राखी के साथ उनकी क्लोज फ्रेंड भी दिखी। पेपराजी ने राखी से पूछा कि बाबा रामदेव ने सलमान खान पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कहेंगे। जवाबी में राखी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हर किसी की हंसी छूट गई। को लगता है ऐसा स्टेटमेंट लेना क्या हो गया बाबा रामदेव जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, योगी करते करते भोगी कैसे हो गए आप? नहीं नहीं, आप सलमान खान के बारे में देखिए आप नहीं बोल सकते, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आप योगा करें, पेट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करें, और सलमान के खिलाफ तो एक शब्द ना बोले। आई रियली डोंट लाइक कि सलमान, जब सलमान किसी को नहीं छेड़ता तो आप कैसे बोल सकते कि वो ड्रग एडिक्ट, गलत है ना? लेकिन सलमान सर तुम्हारी भी आंखें से फड़कती है, हम क्या सोचें बाबा रामदेव, हम क्या सोचें, तो हम क्या सोचें, आप रामदेव हो के वही रामदेव हो, हमें क्या पता। सलमान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, पूरा देश आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छा योगा कराते हैं। इसके बाद मीडिया ने राखी को बताया कि शर्लिन चोपड़ा ने साजिद के खिलाफ शिकायत की है। इस पर राखी ने कहा कि वो 4 साल से कहां पर थी। मुझे नहीं पता है कि वो उसने कंप्लेंट 4 साल के बाद, साजिद का वेट कर रही थी वो बिग बॉस में जाने का, साजिद सुपरस्टार हो जाए, व्हाई शी इज डूइंग लाइक दिस, कभी किसी का पति राज कुंद्रा, कभी साजिद। अरे मैं कहती आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दो ना। शर्लिन चोपड़ा अभी कंप्लेन कर रही है, मतलब आप कुछ ना कुछ कहना चाहती है, मतलब आप बोल कर खुल कर हीटू के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि हीटू के लिए आवाज़ उठे। औरत होके एक भी आदमी बाहर आके कंप्लेंट नहीं लिखाता है कि मेरे साथ शोषण हो गया। अक्षय कुमार ने दिखाया था ना, उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यू नो कर लेते हैं, क्या पता कोई साजिद खान का नाम गलत तरीके से यूज़ कर रहा हो, क्या पता कोई और भी लोगों का नाम यूज़ कर रहा हो। साथ ही राखी ने बताया कि उन्हें बिग बॉस में क्या पसंद आ रहा है। उन्होंने अब्दू के बारे में बात की। आप कह रहे जैसे कि बिग बॉस में, लेकिन बिग बॉस कितना देख पा रही है इन दिनों, आप कुछ देख पा रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, आप कुछ बताना चाहिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब्दुल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अंदर वो अपना मज़े ले रहा है, सब लड़ मर रहे हैं, और क्या कहते हैं उसे अब्दू सिंबुल, नहीं नहीं शालीन शिव, अरे नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक सेकेंड मैं बताती हूँ, मतलब अंदर घर में झगड़े हो रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, अगर मैं गई बिग बॉस हाउस में। आप दोनों कब जा रहे हैं, आदिल और आप? मुझे नहीं पता हम कब जा रहे हैं, लेकिन लोग फेक स्टोरी बना रहे हैं, सिंबुल की फेक स्टोरी चल रही है शालिन के साथ, टीना की, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? अरे नहीं, अंदर प्यार हो जाता है भाई, कोई फेक स्टोरी नहीं होती है, एक थाली में खाते हो एक थाली में बैठते हो, तो क्या पता शालिन को शायद टीना से प्यार हो गया होगा, और यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा है, प्यार हो जाता है भाई, मुझे भी हुआ था, तो आप हमारी फेक स्टोरी थोड़ी ना बोलो। आपको कब हुआ था वो, तुमने नहीं देखा? नहीं, वो तो ऑलरेडी बाहर था ना आपका। चलो अभी मैं जा रही हूँ। आप राखी की इन बातों पर क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।